कालोना। अच्छा, मतलब इस शहर में सबसे पहले आप ही पानी पूरी और चाट का टिक्की चालू किए थे? जी जी। आप कहाँ सीखे थे मतलब? तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और शानदार वीडियो में। अभी मैं हूँ फिलहाल उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में। यहाँ पे एक देखो ठेला लगता है आनंद चाट कार्नर। भाई साहब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि क्या क्या मिलता है। ये देखिए सबसे मेन चीज़ और सबसे बेहतरीन आज तक मैंने ये अपनी ज़िंदगी में देखा। मतलब हमारे इलाके में ये होता है लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ मान लो छत्तीसगढ़ से, वहाँ ये ऐसा नियम है। रायपुर तक उधर वीडियो बनाने गया लेकिन वहाँ पर नहीं देखा मैं। ये देखो टमाटर के अंदर कितना लाजवाब तरीके से मसाला भरा गया है। और ये रहा मिर्च पकौड़ा और ये रहा बैगन का देखो पकौड़ा, इसको बोलते हैं खस्ता। ये रहा दही भल्ला और ये देखिए मटर के ऊपर ना शिमला मिर्च अदरक लहसुन का ये देखो कितना बारीक यहाँ पे गार्निशिंग किया गया है। प्याज और वहाँ पे मूली काटा गया है। और साफ सफाई के मामले में देखो भाई साहब एक नंबर तगड़ा। अभी अंकल यहाँ पे तवा चालू कर दिए हैं। अभी देखिए यहाँ पे टिक्की बनाएंगे। ये देखिए हथेली में थोड़ा सा तेल लगा लिया और ये आलू ले लिए और आलू के साथ आप लोग देख सकते हैं हल्का सा आलू रोटी मिक्स किया गया है उसमें, ताकि टिक्की जो है ना हल्की सी क्रंची बने। ये देखो ये देखिए यहाँ पे दही भल्ले में दही लगा कर दिया गया अभी। और अंकल अभी दुकान ना सेठी कर रहे हैं अपनी। ये देखो गैस भी चालू कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे टिक्की डाल दी गई अभी और देखो नीचे नीचे ना पूरी रेड हो गई है अभी फिलहाल। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे टिक्की पलट दी गई है अभी और ये भाई साहब एकदम क्रंची देखो, क्योंकि ना इसमें ना आरा रोल मेल्ट किया गया है हल्का सा। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे टिक्की ना फ्राई हो चुकी है और दादाजी से हम लोग जानते हैं कि ये काम ये कब से कर रहे हैं। क्या नाम है इनका? तो क्या नाम है आपका? आनंद, आनंद कुमार गुप्ता। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ठेला में लिखा हुआ था। तो ये काम कब से कर रहे हैं आप? मतलब 100 साल पुराना काम है। तो आपके फिर पहले भी करता हुआ कोई? हमारे बाबा करते थे। अच्छा, फिर उनके पिताजी ने किया। अरे वाह, अब हम उनके लड़के हैं, हमारे लड़के भी ये काम कर रहे हैं। तो आपके लड़के लोग कहाँ लगाते हैं दुकान? एक ठेला हमारा उधर लगता है उस तरफ। अच्छा, जैसे मतलब मेरे पापा ये काम करते हैं, मैं भी ये काम करता हूँ, बट थोड़ा सा यूट्यूब में आ गया हूँ लेकिन मेरा काम वो कंटिन्यू चालू है। तो इनका भी ऐसे ही पूर्वजों वाला काम है और हम लोग का भी ये खानदानी काम है। सबसे पुराना काम हमारा ये खानदानी चालू में। अच्छा, मतलब इस शहर में सबसे पहले आप ही पानी पूरी और चाट का टिक्की चालू किए थे? जी जी। आप कहाँ सीखे थे मतलब? आपके दादाजी कहाँ सीखे थे? बस अपने बुजुर्गों से सीखे। अच्छा, सही है। और क्या क्या बेचते हैं आप बताया जाए, थोड़ा सा बता दीजिएगा। अब इसमें आपने सब नोट तो कर लिया है, टिक्की है, टमाटर है, बैंगन है, मिर्चा है, सवाल है, दही बड़ा है। दही बड़ा और रेट क्या क्या है? टिक्की का क्या रेट है? 20 रुपये का है। और ये सारा आइटम 20 रुपये पत्ता चलता है? अच्छा, 20 रुपये का एक आइटम है। ये 20 रुपये की दो बेचते हैं। हाँ, ये 20 रुपये की दो बेचते हैं। हाँ, ये सवाल है, सवाल इसका नाम है। सवाल बोलते हैं कि खस्ता बोलते हैं? आप कुछ भी बोल लो, खस्ता भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये 20 रुपये की सिंगल है। हाँ, ये 20 रुपये का सिंगल है। सबसे पहले अपन बनवाएंगे एक, देखो टिक्की चाट तो अपन खा चुके हैं बट सबसे पहले बनवाएंगे ये। भाई साहब इसको आप कैसे बनाते हैं? अभी ये तुम बनाएंगे, ठीक, ये फ्राई हो जाए उसके बाद आप बनाइएगा इसको। ये खाने में ना मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया हूँ क्योंकि अपने तरफ वो नहीं मिलता है, ये मज़ा आएगा खाने में। और आप लोग भी देखेंगे कि ये बनता कैसे है आखिरकार। सबसे पहले तो इसको देखिए टमाटर काट काट के ना बारीक काट काट के इसके अंदर का जो गूदा रहता है शायद उसको निकाला तो नहीं गया है, वो अंदर में ही है। उसके बाद इसके ऊपर आलू है, मटर है, धनिया पत्ती है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, उसको मिक्स करके इसके अंदर डाला गया है। तो ये देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे प्याज डाला गया है और टमाटर को ना उसके ऊपर फोड़ दिया गया है पूरा, और उसके ऊपर से मटर डाला गया है। अब टमाटर को ना उसमें पकने दिया जाएगा अच्छी तरीके से। तो इसका आइडिया आपको कहाँ से आया ये बनाने का? ये सब यही सीखा बुजुर्गों से, बता तो रहे। टमाटर काट के जो तरीका है ना ये ज़बरदस्त है, सब बुजुर्गों से सीखा। ये देखो टमाटर को फोड़ दिया गया है, ये बनती है अपनी असली टमाटर चाट, ये होती है भाई। हाँ, टमाटर पूरा टमाटर इसमें डाल दिया गया है शानदार तरीके से और मस्त फ्राई हो रहा है। देखो अभी प्याज वगैरह सब फ्राई हो रहा है और टमाटर की तो क्वांटिटी आप लोग देख ही रहे हो, पूरा का पूरा एक टमाटर गया है इसमें। ये सफ़ेद नमक, काला नमक, ये जीरा धनिया का पाउडर और ये रहा सफ़ेद नमक एक्स्ट्रा, और ये लाल मिर्ची का पाउडर। फिर सुबह आप दुकान खोल लेते हैं 10-11 बजे तक? 10 बजे। और शाम को कितने बजे तक खोलते हैं? 6 बजे। शाम को 6 बजे बंद। ये देखो भाई साहब और इसको मिक्स किया जा रहा है। टमाटर चाट है, खट्टी लगेगी और शानदार लगेगी। और मसाले वगैरह इसमें गरम मसाले वगैरह सब डाल दिए गए हैं। वाह भाई साहब। और अधिकतर ना जैसे मैं यूज़ करता हूँ तो मैं स्टील का पलटा यूज़ करता हूँ और इस साइड में ना एक बार तुम हमको वहीं बुला लो, हम तुमको ट्रेंड कर देंगे। अच्छा, अपने शहर बुला लूँ? हाँ, दादाजी बोल रहे हैं वहीं मेरे को बुला लो, मैं तुमको ट्रेंड कर दूंगा, हर चीज़ बनाना सिखा दूंगा। अरे यार किसी को कोई चीज़ मिल जाए
तो यार हमको क्या दिक्कत, कम जिंदगी में नाम तो भी ले। अरे मैं अभी नाम ले रहा हूँ आपका, ये मतलब ये चीज ना मैंने देखा था, हालांकि इधर तो बहुत जगह मिलता भी है ये। एक बार पता है बना के देखूंगा मैं इसको वही। ये देखिए कागज का दोनों ही उठ गया यहाँ पे और निकाला जा रहा है चार्ट में अभी फिलहाल। और पूरे तवन में टिकिया सेक के रख देते हैं और हवा चलती है ना, तो आप लोगों ने ये जुगाड़ देखी हुई कार्टून वाली, लेकिन ये जो पर्दा लगाया गया है देखिए यहाँ पे, जो कपड़ा सुखाते हैं ना अपन वैसे ही। और ये चाट निकल के आ गई देखो। अब इसमें सबसे पहले डाला जाएगा, क्या क्या डालेंगे इसमें दादाजी? अच्छा ये तावा भी देखिए, इसीलिए ना इस दुकान में इतनी ज़्यादा साफ सफाई है। चाट बनाया, तावा साफ क्लियर एकदम तुरंत। ये देखो सबसे पहले डाला गया है उसमें देखिए मीठा चटनी, मीठा चटनी को ना सब तरह मिक्स कर दिया गया है। और उसके बाद ये चटनी कहाँ की है? ये धनिया की चटनी है। अच्छा धनिया, हरी मिर्ची वाली। और ये आ गया दही। और फाइनली उसके ऊपर आ गया प्याज और मूली दोनों। और ये फोड़ दी पापड़ी उसके ऊपर। तो फिलहाल अपनी ये चाट बनके रेडी है और इसको टमाटर चाट बोलेंगे, लेकिन ये यूनिक टमाटर चाट है भाई। चलिए इसको फिलहाल टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए भाई साहब चाट आ गई अपनी, धुआं निकल रहा है इसके अंदर से, आई हो दादा। और ये देखिए टमाटर है और मसालों को ना अच्छी तरीके से फ्राई किया गया है। और चाट को ना सबसे मेन बात तवे पे ना थोड़ी देर तक फ्राई किया गया, जिसके चक्कर में ना वो अच्छी तरीके से भुन गई है। टेस्ट भाई लाजवाब है। इतने सालों का जो तजुर्बा है ना वो काम आता है भाई। अब लेकिन इसमें ना एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है इसमें बाकी लोगों की अपेक्षा, इसमें है शिमला मिर्च के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं मैं नहीं डालता वहाँ पे, अदरक के छोटे छोटे टुकड़े हैं मैं नहीं डालता वहाँ पे, ये दो चीज़ें। तो दोनों तो खाली हो गए दोस्तों। भाई साहब टेस्ट, उसको मैं सोच रहा हूँ मैं भी जाके चालू करूँ एक आध दो दिन वहाँ, कि आप लोग का रिस्पॉन्स क्या होता है। भाई तगड़ा यार, मज़ा आ गया। चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग की तरफ ये मिलती है कि नहीं, आप लोग कभी इस चीज़ को खाए थे कि नहीं इस प्रकार से। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, जब तक लिए जय हिंद। चाट खा लो दोस्तों।